वैसे घूमने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, पर जिस स्टेट पर रहते हैं पहले उसे तो कंप्लीट कर ले। सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, माइसेल्फ शुभ्रो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा एंड यू आर वाचिंग एसडी मोटर राइडर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ त्रिपुरा एक्सप्लोरिंग सीरीज। आज मुझे ज्वाइन करने वाला है राकेश। राकेश से आप NIT अगरतला वाले ब्लॉग पर मिल चुके हो। कल अगरतला सिटी पर वीडियो बनाने के बाद मैं आ गया था राकेश के घर पर और अभी टाइम हो रहा है 10 AM इन द मॉर्निंग और आज हम दोनों फिर से निकल चुके हैं एक नए वीडियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस राइड। आज हम लोग घर से निकल चुके हैं 3 से 4 दिन के लिए और हमारा आज का डेस्टिनेशन है शिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले शिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पर उस वीडियो के लास्ट पे हम लोग गए थे बोधघाट एंड बोधघाट हम अच्छे से घूम नहीं पाए थे क्योंकि वो क्लोज हो गया था। इसलिए आज सबसे पहले जाएंगे बोधघाट, अच्छे से घूमेंगे, फिर बोधघाट से निकल के आगे और 3-4 प्लेसेस है जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं। एंड ये एक कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, सारे वीडियोस देख लेना सीरियल वाइज तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे ट्रिप मीटर तो मैंने सेट किया ही नहीं। कल हमारा टोटल राइड हुआ था 110 किलोमीटर का, इसे रीसेट कर देते हैं, देखते हैं आज क्या होता है डिस्टेंस। अगरतला से बोधघाट का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स, लेकिन हम लोग अगरतला सिटी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग है जिरानिया पर और हम लोग बाईपास वाला रोड ले लेंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। सो पहुंच चुका हूँ ओल्ड अगरतला यानी कि खोयरपुर और ले लिया है बाईपास वाला रोड। एक्चुअली अगर हम अगरतला सिटी होकर जाते तो जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा मिलता, पर वहाँ पर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। इस वाले रोड पर उतना जैम नहीं है, पर एक पॉइंट के बाद रोड कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं है। मेरे आगे यहाँ पर एक और R15 V3 जा रहा है। अगर पीछे राकेश ना होता और मैं सिंगल होता तो बहुत मज़ा आता आज। रोड्स काफ़ी ख़राब है। सो मेन रोड पर हम लोग आ चुके हैं। अभी तक हमारा राइड कंप्लीट हो चुका है 23.5 किलोमीटर्स और यहाँ से बोधघाट और ज्यादा दूर है नहीं। सो शिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पर हमारा एंट्री हो चुका है और मेरे लेफ्ट साइड पर यहाँ पर है शिपाहीजला। इस सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड है वो शिपाहीजला के ऊपर ही था, सो आप जरूर देखना वो वीडियो। और ये हम पहुंच गए अभी बोधघाट। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मैं कहीं पर भी चले जाओ त्रिपुरा के, चाहे वो शिपाहीजला हो, NIT अगरतला हो, बोधघाट हो या फिर कोई भी जगह हो, जंगल हर एक जगह पर होता है। जंगल के अलावा त्रिपुरा का कोई भी प्लेस हो ही नहीं सकता। यही समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बोट को चलाए कैसे। राकेश मजा आ रहा है कि नहीं? पाँच छह मिनट के बाद अभी जाके फाइनली समझ में आया कि बोट को चलाना कैसे है। उल्टा 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 उस तरफ जाएंगे, सीधा जाएंगे। ओ भाई 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 बहुत मजेदार है। चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल और बीच में ये खूबसूरत सा लेक, बहुत खूबसूरत है। आप देखो स्टीयरिंग ठीक ही है, ऐसा ही होता है। बोधघाट के लिए टिकट चाहिए 20 रुपीस का और बोटिंग के लिए 4 लोगों का 100 रुपीस। हम सिर्फ 2 लोग हैं पर 100 रुपीस ही लगा है और ये 100 रुपीस से 30 मिनट्स के लिए। अगर 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम वापस ना जा पाए तो लगेगा 500 रुपीस, पर वापस चले जाएंगे 30 मिनट्स पर। वैसे GoPro पर आएगा नहीं, पर इस लेक में बहुत सारे बर्ड्स है, वहाँ दूर बहुत सारे बर्ड्स है बैठा हुआ है और लेक का एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ से हम लोग आए थे और ये है पूरा लेक, इस तरफ भी बहुत दूर तक है और इस लेक को कहते हैं अमृत सागर।
त्रिपुरा में कहीं पे भी रहते हो बोधघाट जरूर आना घूमने के लिए, बहुत ही मस्त जगह है। जरा एक बार देखिए इस जगह को, वाओ, जस्ट वाओ। सारे जगह देख सो हीरो, वाओ ना, वाओ वाओ, ऑसम ऑसम। वापस तो आ गए, अभी इसको पार्क नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ए लग जाएगा लग जाएगा, ऊपर उल्टा 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 किधर मुझे इधर छू। हम लोग इसे पार्क नहीं कर पा रहे हैं। सो बोधघाट से बाहर हम लोग आ चुके हैं, अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा। वैसे बक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा पहले कभी गया नहीं हो, इसलिए मैप पर डाल दिया है लोकेशन। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा। इस बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में मैंने बहुत कोशिश किया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देखे, गूगल पर जाकर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा, पर कहीं पर भी अच्छे से कुछ लिखा हुआ नहीं था। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया, किसी एक टाइम पर यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हुआ करता था, बाद में किसी रीजन से वो जमीन के अंदर दब गया, फिर किसी लोकल खुदाई का काम कर रहे थे उनको कुछ ब्रिक्स मिला, फिर आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे हुआ एंड धीरे धीरे उस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में पता चला। सो आप कह सकते हो ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक धार्मिक प्लेस होने के साथ साथ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। एंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पहुंचने के बाद मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मेन रोड से हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी एक दूसरे रोड से जा रहे हैं, पता नहीं कहां पर है पर मैप पर भरोसा है पहुंचा ही देगा किसी न किसी तरीके से। काको स्टैंड फिर स्टैंड, मार्केट का नाम किधर है? किधर? पोरुईमुरा। अरे क्या नाम है। सो अभी हम लोग है पोरुईमुरा बाजार, और यहाँ से और 26 मिनट का रोड है बक्शनगर। बक्शनगर का रोड ना ही उतना अच्छा है और ना ही उतना बुरा, ठीक ठाक है। आज जितने भी प्लेसेस हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि अभी बोधघाट से आया भी जा रहा है बक्शनगर, नेक्स्ट और दो प्लेस है, ये सब कुछ सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और ये बक्शनगर बुद्धिस्ट स्तूपा विशालगढ़ मेन मार्केट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रोड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है यहाँ पर, इतना धूल है पूरे रोड पर, वाइजर ओपन करके चलाना पॉसिबल ही नहीं है। सो बक्शनगर ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं यहाँ से और 1.1 किलोमीटर, आई गेस दिस इज बक्शनगर मार्केट, यही कहीं पे होगा वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। अच्छा इस तरफ, हाँ हाँ। सो हम लोग एक्चुअली क्रॉस करके आ चुके हैं, तो मैप ने थोड़ा बहुत धोखा तो दिया लेकिन ज्यादा दूर आकर नहीं, सिर्फ कुछ ही दूर जाकर धोखा दिया मैप के हिसाब से। और इस तरफ 1 किलोमीटर दूर है बुद्धिस्ट स्तूपा, पर वो लोग कह रहे हैं कि आगे है। थाना की पीछे से, हाँ ये वाला रोड ना, हाँ। सो गूगल बाबा भी कभी कभी थोड़ा बहुत धोखा दे देते हैं। सो वी हैव रीच्ड बुद्धिस्ट स्तूपा, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या अंदर। स्तूपा के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर टोटल 4 स्तूपा है, एक यहाँ पर है, दूसरा है वहाँ पर, और 2 है गेट के उस तरफ। एंड मोबाइल यूज़ करने की वजह से जो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी में ड्रॉप आएगा, फॉर दैट आई एम सो सॉरी।
इधर उड़ता ना। अच्छा 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 अच्छा। और ये स्तूपा एक्चुअली बहुत ही पुराना है, बहुत सारे ईंट अभी मतलब टूटना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैंने उन लोगों से बात किया एंड जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया था, स्टोरी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर पहले लोगों का घर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर ये बुद्धिस्ट स्तूपा है। नाउ इट्स 2 PM इन द आफ्टरनून और अभी यहाँ से निकल के हम दोनों जाने वाले हैं कमला सागर। सो बक्शनगर से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं कौशबा कालीबारी यानी कि कमला सागर एंड जो डिस्टेंस है वो है 29 किलोमीटर एंड गूगल के हिसाब से हमें लगेगा 1 घंटा। अगर आप अगरतला सिटी से आओगे कौशबा कालीबारी देन ऑल्सो आपको ऐसा ही कुछ टाइम लगेगा, 25 किलोमीटर के आसपास है। बक्शनगर एंड कौशबा कालीबारी ये दोनों ही बांग्लादेश बॉर्डर का बहुत ही नज़दीक है एंड जब साउथ त्रिपुरा जाएंगे नेक्स्ट 2 दिन बाद वहाँ पर एक पार्क हम विजिट करने वाले हैं जो इंडिया एंड बांग्लादेश का फ्रेंडशिप के ऊपर बना हुआ है। और कमला सागर एक्चुअली कोई सागर नहीं है, इट्स ए होली लेक, कौशबा कालीबारी के साथ ही सिचुएटेड है एंड इस लेक को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कितना सच है क्या है मुझे नहीं पता, बस मैं जब छोटा था तभी से मैं सुन रहा हूँ लोगों के मुँह पर। कहा जाता है त्रिपुरा के जो महाराजा थे उन्होंने बनवाया था वो लेक, पर उस पर पानी नहीं आ रहा था। फिर एक दिन माँ काली ने राजा को सपना दिखाया कि अगर महारानी उस लेक पर उतरेंगे तभी वहाँ पर पानी आएगा एंड महारानी का नाम था कमला। सो जैसे ही वो उस लेक पर उतरी तभी नीचे से पानी आ गया एंड महारानी भी उसी पर डूब के मर गई। सो उसीलिए उस जगह का नाम है, मतलब उस लेक का नाम है कमला सागर। अब सच्चाई मेरे को नहीं पता, मैंने बस सुना है जब छोटा था तभी से, सो मैंने सोचा शेयर कर दूं। अरे बाप रे, टाइम तो लगेगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल वाला काम होगा, छोटा सा रोड है। ओमा भूला है फिर मना उदी गजा नो ए राम गुरा दी बता रहा। सो थोड़ा गलत आ चुके हैं हम लोग, फिर से वापस घूमना पड़ेगा। सो मेन रोड से निकलकर हम लोग इस रोड पे आ गए, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस रोड से अगर कौशबा जाएंगे तो बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, पर गूगल के हिसाब से ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो गूगल मैप के ऊपर भरोसा करके बस चल रहे हैं आगे, और पता नहीं मैप कहाँ कहाँ से लेके जाएगा, क्योंकि लगता तो नहीं इस रोड से कोई कार आता जाता है, पर मैप ने बताया हम चल रहे हैं बस। अगर गलत जगह पर पहुंच गए तो ये मैप का गलती, बहुत खूबसूरत है। अरे भाई गूगल का कहना मान के बहुत ही अच्छा किया, ब्यूटी देखो कितना खूबसूरत है। सो फाइनली कौशबा कालीबारी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो लेक है सामने इसी का नाम है कमला सागर। यहाँ पर बाइक कर देते हैं पार्क, पार्किंग के लिए भी शायद पैसा चाहिए होता है। सो कौशबा आए हुए हमें हो चुका है लगभग देर से 2 घंटा। एक्चुअली इतना भूख लगा था आते ही सीधा चले गए होटल, खाना खाया, फिर यहाँ पर लेक के पास आके लास्ट 5-6 मिनट से यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं एंड उस तरफ आप देख रहे हो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के उस तरफ है बांग्लादेश। और अभी जो आप एक ट्रेन का साउंड सुन पा रहे हैं वो एक्चुअली बांग्लादेश का ट्रेन है। सो अभी यहाँ पर है कौशबा काली माँ का मंदिर, काली माँ का मंदिर दर्शन करके चले जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
कालीबारी और अभी यहाँ से निकल के हम लोग जाने वाले हैं द लार्जेस्ट वाटर पैलेस ऑफ इंडिया यानी कि निर्मल। सो टाइम क्या है अभी? 4:30। सो नाउ इट्स 4:30 इन द आफ्टरनून और पता नहीं निर्मल ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे एक वीडियो में इतने सारे प्लेसेस कवर करना थोड़ा मुश्किल है। आज ऑलरेडी 3 प्लेसेस हो चुका है। सो वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और निर्मल का जो पार्ट है वो कल पता चल जाएगा आपको कि आज हम जा पाएंगे या फिर कल पहुँच जाएंगे हम निर्मल। और निर्मल अगर आज होता है तो ख़त्म करने के बाद, या फिर अगर नहीं होता है तो भी हम लुटने वाले हैं राकेश के एक रिलेटिव के घर पर। सो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना पता लगाने के लिए कि आगे क्या हुआ। तो वीडियो आज का अभी यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड बाय बाय।